GTA 5 के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, बट क्या कभी तुमने इसको अपने फोन में खेला है? नहीं खेला ना, तो रेडी हो जाओ क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ GTA 5 अल्ट्रा प्रो मैक्स। भाई ये किसके घर पे आ गया? मत बोलना कि ये घर मेरा है भाई, घर के सामने भिखारी लग रहा हूँ मैं पूरा। ओहो, इस घर के अंदर एक बड़ा सा टीवी है, इसको चालू करके देखते। चल चालू हो जा जल्दी से। बेकार है भैया। अबे चालू हो जा। ओनली खाली सर इसको चालू कर सकते। अरे ये मेरा गेमिंग सेटअप है, पर ये भी चालू नहीं हो रहा, किसी काम का नहीं। अरे ये कैसा स्विच है? अच्छा इसे लाइट ऑन ऑफ होता है, इसको ऑफ ही रहने देते नहीं तो फिर आशीष भाई आ जाएगा। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा साड़े। अब मैं बाहर आ चुका हूँ बट मुझे पता नहीं किधर जाना है। अरे ये कौन है? ये तो रसल द मसल जैसा लग रहा है, बट ये डांस क्यों कर रहा है यहाँ पे? लेमन जूस भी मिलता है यहाँ पे। चलो चाचा लेमन जूस भरो इसमें जल्दी से। अरे भागो मत। अरे क्या मतलब, दुकानदारी मेरे ऊपर छोड़ के चले गए। और गाइस आज मैं अपना फेस रिवील भी करने वाला हूँ, तो रेडी हो जाओ। यो गाइस गेमिंग नगर रॉक्स। हाँ मैं ऐसा ही दिखता हूँ, ये पिंक कलर के मूंछे भी एकदम असली है। मुझे अभी पैसा चाहिए बहुत सारा, उससे मैं एक बॉम्ब खरीद के पूरे शहर को उड़ाने वाला हूँ। चलो अंकल पैसे निकालो नहीं तो चाटे पड़ेंगे। अरे कितना दूर जाओगे भाग के? पैसा आपको देना ही पड़ेगा। अंकल से पैसा लेने के बाद पता नहीं पुलिस क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं, शायद इन्हें भी पैसे का भाग चाहिए। कितने जाहिल पुलिस है भाई, पैसे के लिए इतना दूर आ चुका है। GTA के पुलिस भी इतना पीछा नहीं करता। जेल से मैं बाहर आ चुका हूँ, अब बदला लेने वाला हूँ मैं। ओ 20 रुपए के नल्ले किट क्वार्टर। पुलिस स्टेशन के सामने डांस कौन करता है? चल चल। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ओ क्या देख रहे तू मुझे ऐसे? पीट जाएगा भाई, ऐसे मत देख। चल तेरा बंदूक मेरे को दे दे जल्दी से। सुना ही नहीं दे रहा क्या? अभी भी घूरते जा रहा है। खत्म। अभी इसको दिखाता हूँ, ये देख तेरे दोस्त के साथ मैंने क्या किया है। करेगा और बदमाशी, बदमाशी करेगा तेरा भी हालत ऐसा हो जाएगा। ये एक्सपायर हो गया है, इसको पुलिस स्टेशन वापस देके आता हूँ। बैठ जा तू सोफे के ऊपर। अरे सोफे के अंदर घुस गया। अब पहला मिशन करने का टाइम आ चुका है क्योंकि मेरे एक दोस्त को पुलिस ने पकड़ के जेल के अंदर रखा है। अब क्यों रखा है उसका स्टोरी कुछ इस तरह से है। मेरा फ्रेंड और उसका एक और फ्रेंड बैंक में डकैती करने जाता है, फिर वो दोनों भाग ही रहा था और पुलिस उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। इसी टाइम पे वो जो दूसरा बंदा था वो हेलीकॉप्टर में चढ़ के भाग जाता है, लेकिन मेरा जो फ्रेंड था वो पुलिस के हाथों में पकड़ा जाता है। ये वीडियो अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना, और अगर तुम चैनल पे पहली बार के लिए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे अभी किरिल के पास जाना पड़ेगा। किरिल के पास जाने से क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, इवन मुझे यही नहीं पता कि किरिल है कौन। बहुत भटकने के बाद फाइनली मैं किरिल के घर के सामने आ चुका हूँ। किस बात की पार्टी चल रही है यहाँ पे, डांस क्यों कर रहे सब लोग? किरिल से बात करने पर उसने मेरे को एक गाड़ी लेने के लिए बोला है, एंड वो गाड़ी अभी पुलिस स्टेशन पे है। पुलिस स्टेशन जाने के पहले मुझे एक बंदूक लेना चाहिए नहीं तो कुटाई हो जाएगा मेरा। एक अच्छा सा बंदूक लेना पड़ेगा जिससे मैं सबकी कुटाई कर सकूं। इतने सारे बंदूक, मैं तो AK-47 लेने वाला हूँ $500 में, लेकिन अभी मेरे पास पैसा है नहीं तो दो चार अंकल को चाटा मार के पैसे निकालना पड़ेगा। बहुत मेहनत करके मैंने $500 कलेक्ट किया है, अब बंदूक खरीद के मैं सबको मारने वाला हूँ। अब टाइम आ चुका है कि मैं इसको ऊपर टेस्टिंग करके देखूं क्योंकि मैंने इसमें बंदूक कभी चलाया नहीं। ओ भाई फ्री में इतना पैसा मिल रहा है। पैसा ही पैसा होगा। चलो मैं थाने के सामने आ चुका हूँ, एंड इधर से मेरे को एक गाड़ी लेके जाना है। ये बेचारा अभी भी बैठा है अपने दोस्त के इंतजार में। तो यहाँ पे ही है गाड़ी, बट ये तो पुलिस की गाड़ी है। ओ भाई थाने के ऊपर जाने का भी रास्ता है। अरे हेलीकॉप्टर रहते हो, हम लोग गाड़ी से क्यों जाएंगे भाई? अब तो मैं आसमान को चीरने वाला हूँ देखना। अरे अरे इसका कंट्रोल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अरे ये मेरे हेलीकॉप्टर के साथ क्या हो रहा है भाई, ये बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। नहीं 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 नहीं, अरे हेलीकॉप्टर में उठना ही नहीं चाहिए था भाई। खैर छोड़ो, मैं तो इसका स्टोरी को किसी और वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तुम लोग जरूर कमेंट करके बताना ये वीडियो तुम लोग कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। ओके सो चलो मैं तुम लोगों से अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सिया। Ayo, drop that shit.